कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीएसटी और नोटबंदी की तुलना चीन की सेना से करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं है। उनके इस बयान से अब ये साफ हो गया है, इस यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा ही कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का चीन से बड़ा पुराना नाता है, उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, लगातार राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी कांग्रेस और उनके लोग जो कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, यह साफ तौर पर भारत तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी ने इंदौर की सभा में कहा है कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी और नोटबंदी कानून है। दुर्भाग्य की बात है कि आप एक दिन पहले बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर जाते हैं, वहीं उनके बनाए संविधान के कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। शर्मा ने कहा, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, आपका चीन से इतना प्रेम क्यों है? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस का चीन से बड़ा पुराना नाता है, उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती रही है। राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी कांग्रेस और उनके लोग जो कर रहे हैं, उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते, और कल तो उन्होंने इंदौर की सभा में जो कहा कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी और नोटबंदी कानून को। दुर्भाग्य है कि आप एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि पर जाकर और वहां से लौट करके आप आते हैं और भारत के कानून, जो संसद में कानून बनता है, उस कानून का मखौल उड़ाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपका चीन से इतना प्रेम क्यों है? और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस का चीन से अपना बड़ा पुराना नाता है और उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती रही है। वीडी शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब वाणिज्य कर मंत्री थे, तब उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ दिलाने के लिए चीन को मदद की थी। वो हम सब लोगों ने, पूरे देश ने इस बात को देखा है। संसद के अंदर उनकी आदत रही है कानून का मखौल उड़ाना। कांग्रेस की सरकार में उन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में बिल को संसद के अंदर फाड़ दिया गया। बिल फाड़ना, फेंक देना अब तो सामान्य है कि असामान्य है। इस प्रकार की घटना भी इस देश के अंदर एक जिम्मेदार सांसद करते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब वाणिज्य कर मंत्री थे, तब उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ दिलाने के लिए चीन को मदद जो की थी, जो हम सब लोगों ने और पूरे देश ने इस बात को देखा है। संसद के अंदर उनकी आदत रही है कानून का मखौल उड़ाना। उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में बिल को संसद के अंदर फाड़ करके फेंक देना, अब वो सामान्य है असामान्य है? तो इस प्रकार की घटना भी इस देश के अंदर एक जिम्मेदार सांसद, मैं तो जिम्मेदार इसलिए कह रहा हूं कि वो सांसद है सदन का, इस भारत के कानून बनाने वाले सदन का वो हिस्सा है, उनका इस प्रकार का बयान आना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।